मौसम समाचार में आपका स्वागत है। मौसम की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें यूएमबी न्यूज को। और किस जिले की आप मौसम जानकारी जानना चाहते हैं हमको नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए जानते हैं पूरे देश के मौसम का हाल। यूपी समेत इन राज्यों में बदलेगा मौसम, आंधी बारिश से बढ़ेगी ठंड। उत्तर पश्चिम भारत में 30 दिसंबर से नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस दस्तक देने जा रहा है, जिसकी वजह से कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ में 31 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच बारिश होने वाली है। इससे इन राज्यों में तापमान में गिरावट आ सकती है। वहीं तमिलनाडु, केरल में 30 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच हल्की से मध्यम बारिश होने वाली है। तमिलनाडु में 30 और 31 जनवरी को भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अगले 2 दिनों में यूपी में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। ऐसे में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। नए साल पर मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर में 1 या 2 जगहों पर बारिश हो सकती है। यूपी के ज्यादातर इलाकों में आज कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इनमें नोएडा, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, बदायूं, शाहजहांपुर, फरुखाबाद, कन्नौज, औरैया, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, हमीरपुर, महोबा, जालौन, झांसी, ललितपुर, बांदा, फतेहपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, चित्रकूट में घना कोहरा छाया रहेगा। ऐसे में सड़कों पर चलने वाले लोगों को बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। एमपी मौसम विभाग के मुताबिक एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 29 दिसंबर से मौसम का मिजाज बदलने के आसार हैं। 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक प्रदेश के कई शहरों में बादल छाने के साथ बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। 1-2 जनवरी को कई शहरों में अच्छी वर्षा होने के आसार हैं। नए साल में उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभाग में बादल छाए रहेंगे और बूंदाबांदी भी होने के आसार हैं। जनवरी में उत्तरी हवाएं रफ्तार पकड़ने के साथ ही प्रदेश में एक बार फिर से कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो जाएगा। राजस्थान मौसम विभाग के अनुसार 31 दिसंबर को राज्य में एक नए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिससे मौसम में फिर से परिवर्तन आएगा। इस दौरान कहीं कहीं बूंदाबांदी की संभावना है। 30 और 31 दिसंबर को प्रदेश के सभी संभागों में कहीं कहीं पर बारिश की संभावना जताई है। पूर्वी राजस्थान के जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर संभाग और पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर संभाग में 30 और 31 दिसंबर को कहीं कहीं बारिश की संभावना है। जनवरी में तापमान के गिरने से तेज ठंड के साथ ही शीतलहर चलने का अनुमान है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पटना में रविवार को कुहासा बढ़ेगा। पटना में भी सुबह शाम के इसका असर देखेगा। 29 दिसंबर से आकाश में बादल छाए रहेंगे। 29 दिसंबर को पटना, नालंदा, गया, शेखुपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल में हल्की या मध्यम बारिश होगी। 29 दिसंबर को पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीवान, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरनगर, दरभंगा, शिवहर, समस्तीपुर, वैशाली जिले में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के रांची के वैज्ञानिकों के अनुसार झारखंड में इस साल नए साल की शुरुआत ठंड और बारिश के साथ होगी। फिलहाल झारखंड के लोगों को ठंड से थोड़ी राहत जरूर मिली है, क्योंकि दिन में खुली धूप रहने के कारण तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो जाती है, जबकि सुबह के वक्त कोहरा छाया हुआ रहता है। पर साल की शुरुआत में लोगों को एक बार फिर से शीतलहर का सामना करना पड़ेगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 4 दिनों तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। मौसम साफ रहेगा, पर 1 और 2 तारीख में मौसम में बदलाव हो सकता है। राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मौसम की ताजा अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।